तो हाँ दोस्तों, IPL का ये सीज़न लगभग लगभग ख़त्म ही होने वाला है। कुछ मैचेस बाकी है, उसके बाद ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस IPL के मौके पे एक ऐसी कंपनी थी जो स्पॉन्सर के नाम पे बहुत सारा पैसा बांट रही थी। मतलब कोई छोटा से छोटा यूट्यूबर भी है ना, उनको भी लाखों रुपए तक का ऑफ़र कर रही थी अपनी कंपनी का एडवर्टाइज़ कराने के लिए कि वीडियो के अंदर में आप थोड़ा सा हमारा बात कर दोगे ना, हमारी कंपनी के बारे में नाम ले लोगे, कुछ बोल दोगे अपने ऑडिशन को, उसके एवज़ में हम आपको लाखों लाख रुपया दे देंगे। तो इस IPL के टाइम में बहुत सारे यूट्यूब चैनल को और जितने भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है ना, उन सबको स्पॉन्सर दिया गया और बहुत सारे लोगों ने उनका एडवर्टाइज़ भी किया अपने चैनल के थ्रू, अपने पेज के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम ID के थ्रू, किसी ने तो इनका प्रचार किया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इनको बैटिंग गेम समझकर इनका प्रचार नहीं किया गया कि ये इलीगल है, ये एक बैटिंग ऐप है। तो ये बैटिंग एप्लीकेशन बोल के बहुत सारे यूट्यूबर इनका एडवर्टाइज़ नहीं किया अपने वीडियो के नीचे में, बल्कि उल्टा इनका एक्सपोज ही करते हुए नज़र आए। मैं बात कर रहा हूँ ड्रीम इलेवन फैंटेसी ऐप्स के बारे में, जो बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं और इन पे अपना पैसा लगाकर करोड़ रुपया कमाने का सपना तक देख रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बात आपके सामने रखूंगा जिसके आपके रूंटे तक खड़े हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? मैं अलादीन और आप देख रहे हैं अलादीन यूट्यूब चैनल। तो चलो बढ़ते वीडियोस में आगे। तो दोस्तों, ड्रीम इलेवन को लाने वाले का नाम है हर्ष जैन। हर्ष जैन इनसे लाने से पहले US में थे और इंडिया में जब IPL का क्रेज़ देखा ना इन्होंने, तो इन्होंने सोचा हम एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आएंगे, हम ऐसा एक बिज़नेस पर काम करते हैं कि जहाँ हमारा बहुत सारा इनकम देखने को मिले, मतलब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हुए और उनका कम देखने को मिले, जो इनके साथ जुड़ेंगे मतलब थोड़ा मोड़ा वो भी इनकम क्रिएट कर सकें, मतलब जो इनके साथ आएंगे, जो इस पर टीम बनाएंगे, जो जिसको खेलना नहीं आता ना, जिसको बैटिंग करना नहीं आता है, वो भी यहाँ आकर बैटिंग कर सकते हैं। मतलब कोई अपना पसंदीदा खिलाड़ी सिलेक्ट कर उनसे पैसा कमा सकते हैं। इन तरीके का हम एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आएंगे। तो हुआ ही है मेरे दोस्त, ये एप्लीकेशन को ला दिया गया ड्रीम इलेवन को। और ड्रीम इलेवन के आने के बाद ना, इंडिया के जो बड़े बड़े सुपरस्टार है, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, वो उन्होंने भी इनका एडवर्टाइज़ किया बैटिंग एप्लीकेशन का। अभी मैं बैटिंग एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, लेकिन इंडिया में इंडियन जो लॉ है, जो कोर्ट है, कोर्ट में इसका आशिका डाला गया था, तो कोर्ट ने कहा था कि ये बैटिंग एप्लीकेशन नहीं है, लोग अपने नॉलेज पे खेलते हैं, तो ये स्किल ऑफ गेम है, मतलब अपने दिमाग से खेलने वाला गेम है, तो इसे हम बैटिंग एप्लीकेशन नहीं बोल सकते हैं। खैर, इस पर हम आगे बात करते हैं। तो इंडिया की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है, जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है, वो भी इनका ऐड तक करते फिर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास जितना पैसा होता है ना, वो थोड़े से पैसे के लिए बिकने के लिए तैयार हो जाता है। हम महेंद्र सिंह धोनी से एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वो इनका एडवर्टाइज करेंगे, और ये सब बोलने के ना उनको लाखों लाख रुपया अमाउंट मिलता है। यार लाखों नहीं यार मेरे दोस्त, मैं आपको डेटा दिखाऊँ ना, डेटा। तो 2022 में, पिछले सीज़न में, कंपनी ने 222 करोड़ रुपया खर्चा किया था सिर्फ अपने एडवर्टाइज़ पे। उसी में से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को भी दिया गया, और ग्राउंड में देख रहे होंगे मैच जहाँ हो रहा होता है उसके चारों तरफ चल रहा होता है ड्रीम इलेवन का एडवर्टाइज, उसका पोस्टर लगा रहता है, इन सब का वो पैसा फेंकी हुई रहती है। और इसके यूजर जो है मेरे दोस्त, 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इनके साथ ज्वाइन हुए हैं। सिर्फ ये 2 साल के अंदर में इतना बड़ा क्रेज़ देखने को मिला है कि लोग इतना इस पर ध्यान दे दिए हैं। और कंपनी ने पिछले साल जो रेवेन्यू किया है ना, 4,000 करोड़ के आसपास तक का इनकम किया है ये ड्रीम इलेवन। तो मैं आप ये पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ बैटिंग कर रहे हैं वो सोच रहे हैं यार हमारा सिर्फ 49 रुपया जाता है, 49 रुपया देने में क्या जा रहा है, इससे हमारा क्या चला ही जाएगा, हमें तो बाबते करोड़ रुपया कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, करोड़ रुपया का अपॉर्चुनिटी देख रहा है, उनके जरिए में उनको लेने के चक्कर में न जाने कितने 49 वो गवा चुके हुए हैं। अब आते हैं दोस्त उस मुद्दे पर बात करते हैं कि इंडिया के कई राज्यों में ये एप्लीकेशन बैंड है पूरे तरीके से, क्योंकि 2017 में इसका याचिका डाला गया था कर्नाटका के सरकार की तरफ से कि ये एक बैटिंग ऐप है, तो इनके लिए कोर्ट में केस चला था, केस फाइल किया गया था। तो बहुत दिनों के बाद इसका नतीजा ये आया कि कोर्ट ने कहा कि ये नॉट बैटिंग ऐप, मतलब ये एक गेमिंग ऐप नहीं है, मतलब जहाँ से आप बड़ा पैसा लगा के, मतलब जो इंडिया में इलीगल है ना गेम, जो जुआ होता है, जुआ वाला एप्लीकेशन बैंड है, जुआ खेलना बैंड है, तो ये नो जुआ, यहाँ इसे बैटिंग नहीं बोल सकते इस एप्लीकेशन को। ये स्किल ऑफ गेम है, मतलब अपने दिमाग से खेलने वाला गेम है, जिसको जितना दिमाग होगा वो इतना कमाएगा। फिर भी इंडिया के कई राज्यों में ये बैंड है, और इंडिया के साथ साथ कई कंट्री में भी ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना बैंड है। कोर्ट ने जो नियम दिया है तो सही ही होगा, उसे हमें लेना नहीं, हमें उनसे कहना है जो ड्रीम इलेवन पर करोड़ों रुपया पाने के लिए
न जाने कितने 49 रुपया गवा चुके हुए हैं। हमें उनसे कहना है कि थोड़ा सावधानी से खेले, क्योंकि ये गेम खुद ही कह रहा है अपना रिस्क हटा रहा है। क्या कह रहा है? इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। इसकी आदत लग सकती है और अपने रिस्क पे खेले, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो एक तरफ कंपनी इस तरीके का एडवर्टाइज भी कर रही है कि अपने रिस्क पे खेले, और एक तरफ कह रहा है कि बैटिंग ऐप नहीं है। क्योंकि इनके जो मैनेजर जो होते हैं ना, वो अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फ़ोन करते हैं, यूट्यूबर्स को फ़ोन करते हैं, उनसे ईमेल पे बात करते हैं कि हमारे लिए वीडियो में बात कर दो एक मिनट का, हमारा कंपनी का नाम ले लो, उनका कुछ तारीफ कर दो, उसके एवज़ में हम आपको 50 लाख, 30 लाख, 15 लाख, कम से कम 1 लाख से तो नीचे आते ही नहीं, मतलब जो आप बोलोगे उसके एवरेज पर हम आपको पैसा दे देंगे, हमारे गेम का प्रचार कर दो। और वहाँ पे आप कह देते हैं ना कि हम बैटिंग एप्लीकेशन का एडवर्टाइज नहीं करते हैं ना, तो आपसे बहुत ही थुतपुर तरीके से पेश आएगा। अरे इंडियन कोर्ट ने इनको वेरीफाई किया है, उन्होंने तो इनको बैटिंग कहा नहीं, और तुम इसे कैसे बैटिंग एप्लीकेशन कर सकते हो? तो इन तरीके से वो बात करते हैं। तो कुल मिला के बात ये कहना है दोस्त कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पैसा जीता है कि नहीं जीता है, करोड़ों रुपया, जहाँ तक मीडिया वीडियोस बनाते हुए दिख जाएंगे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियो दिख जाएंगे कि बिहार साइड में ये शख्स ने जीता 1 करोड़ रुपया, सिर्फ 3 से 4 दिन ही ने अपना किस्मत आजमाया और 1 करोड़ रुपया जीत गया। तो ये रियल है या फेक, इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और इस पर हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन 99% चांस यहाँ आपके डूबने के हैं, क्योंकि गेम है तो डूबने के चांसेस ज़्यादा है। तो थोड़ा संभल कर खेले आप लोग, क्योंकि कंपनी तो खूब पैसा कमा रही है आपको करोड़ों रुपया दिखा कर, कि कुछ ही दिनों में आप करोड़ रुपया जीत सकते हैं यहाँ पे आप अपने स्किल से। तो ये बोल बोल कर कंपनी तो कमा लेगी, लेकिन आप न जाने बहुत सारा टाइम भी गंवाएंगे और पैसा भी गंवाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सावधानी से रहो। बाकी आपको गेम खेलना है कि नहीं खेलना है, इसके लिए तो हम आपको कुछ बोल नहीं सकते, हम आपको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी सच्चाई थी जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इस साल का जो डेटा आएगा तो उसे भी हम फिर कभी अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन साल कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया है और कितना उनका इनकम हुआ है, वो सब चीज़ों पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो बस दोस्तों, वीडियो को करते यहीं पर कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आपको इनकम करना ही है ऑनलाइन ना, तो नीचे हमने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाकर उस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करो, और वहाँ कुछ टास्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और टास्क कंप्लीट करते ही आपको उनके एवज में आपको पैसा दिया जाएगा, वो भी डॉलर में। तो यहाँ से बहुत सारे लोग अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं, डेली के $10, $15, $50, कुछ तो ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे दिग्गर लोग हैं जो यहाँ से 200, 300, यहाँ तक तो $1,000 भी डेली का कमाने वाले लोग हैं। तो आप भी जाओ उस वेबसाइट पे रजिस्टर करो, रजिस्टर करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो रजिस्टर कर लो, और कुछ टास्क कंप्लीट करने के बाद वहाँ भी आपको कमाने का मौका मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, वीडियो का करते हैं यहीं पर कंप्लीट। बाकी आप लोग जहाँ भी हो, जिधर भी हो ना, हर हाल में रखना अपना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और खाका वीडियो के साथ। Thanks for watching.